हेलो रोहन, अभी जो आया है हम वीडियो बनाने के लिए, ये कुछ ग्रुप डी का गलतियों को सुधारने के लिए आए हैं। गलती ये है जो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है मैथ का सेक्शन में जिसका आंसर उसने गलत दे रखा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। सेंटर पर लाइन लगा हुआ सुबह से, सर ये क्या होगा ये क्या होगा। तो मैं चाह रहा हूँ इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ जो ये क्वेश्चन गलत है, इस पर यदि चैलेंज किया जाए तो आपको सही करके आंसर मतलब नंबर दे देंगे। चलिए तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 18 तारीख का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 80 है और शेष विद्यार्थी के प्राप्तांक का औसत 75 है, कक्षा के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो सर 12 का कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, तो क्या करोगे 12 गुने टोटल कर लो 80 कर लो। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिमेनिंग का बोल रहा है कितना 75, मतलब 12 हो गया टोटल 30 है, बचा कितना 18, 18 कितना दे रखा है 75। ठीक है, इसका बोल रहा है ओवरऑल औसत, इसको क्या करो आप 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये गलती मत करो आप जो इसको कैलकुलेट करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कटते दिख रहे हैं, तो कटते दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, काट दो यहाँ पे सर, ये पहले सेपरेट कर लो 30 कर लो इसको, आप इसको कर लो 18 गुने 75 बटा भी 30 कर लो आप, ये कट गए 3 चौका 12, ये कितने हो गए 32, और इधर 15 5 75, 15 2 30 ये 9, ये कितना हो गया 45। यदि इसको जोड़ेंगे तो सीधे दिख रहा है ये 77 आएगा, मगर भाई साहब आंसर में दे रखे हैं 87 जो गलत है, ठीक है ना, आंसर इसका 77 होगा, जो बच्चा भी सही मारा है इसका। ठीक है, डन बात, इसका आंसर आपका 77 होगा, बोर्ड ने दिया है वो गलत है, डन। चलिए आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ही है। ठीक, आप देखो एक शिफ्ट में कितना गलतियां है, एक यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। सर ये दिख रहा है 10 और 11 का क्यूब है, 3 वर्ष होगा, बोर्ड यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, ये भी गलती है, देख लो करके ही देख लो, यहाँ पे ये एक वाला फॉर्मूला लगा दो तो 13 3, ये 0 कर दो आप, यहाँ पे पी रख दो, ठीक है ना, निकालने के सवाल का तो कोई उचित नहीं है, वैसे दिख रहा है, मगर आप निकाल के देख लो 10/100 करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10/100 करेगा, यहाँ पे टी मान लो आप, ये कटते दिख रहे हैं, कट गए ना भाई, यहाँ पे 10,000 होगा, 10 और होगा, ये कटेगा तो 13 31 / 1000 बच जाएंगे, अरे बचेगा ना भाई, ये गायब क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा, तो ये इधर दिख रहा है 11/10 का क्यूब बनता दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, वहां पे स्क्वायर मान के आंसर दिया गया है, और ये टी बराबर क्या हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड 2 ना कि 1, बच्चा भी यहाँ पे सही मरा है 2, ठीक है ना, इसको आप सही कर लो, इसको चैलेंज करेंगे तो आपका 100% नंबर मिलने वाला, डन। छोटा छोटा क्वेश्चन को गलती कर दिया है, हमको ही बुला लेते यार आंसर करवाने, सॉल्यूशन कर देते, देख लो आप यहाँ पे ये दे रखा है, आंख बंद करके यहाँ पे कोई भी मारेगा 47/99, यहाँ पे क्या दे रखा है देख ले भाई, ठीक है, डॉट 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 है, क्या हो जाएगा ये 47 पे रेकरिंग आ जाएगा, 47 पे रेकरिंग आएगा, रेकरिंग यदि होगा पॉइंट कुछ साइड है तो क्या हो जाएगा 47/99 हो जाएगा, अंधा भी बच्चा मारेगा इसका कितना, डी आंसर, आंसर दे रखे हैं भाई साहब ये गलत है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बी एक्स प्लस 3 है, बी सी 2x है और ए सी 4x-5 है, तो x के किस मान के लिए b ac पर स्थित है। ठीक है, यदि ac पर स्थित है मतलब b को ac पर स्थित कर रहा है ना भाई, ac ये है, ac ये है ना, b को कहीं मान लो आप बीच में, यदि इस पे स्थित है तो यहीं पे कहीं मानोगे आप, b मान लो यहाँ पे, ठीक है, अब देख लीजिए क्या कर रहा है, a भी दे रखा है कितना आपका x प्लस 3, ये कटा वाला भाई x प्लस 3 दे रखा है, दे रखा है सर, आगे देख लो bc कितना 2x, ले लो 2x सर इसको, और टोटल कितना दे रखा है ए सी, टोटल लेंथ कितना दे रखा है आपको, टोटल लेंथ दे रखा है 4x-5, डन ना, अब बता रहा है तो यदि इतना दे रखा है इतना तो x का मान चाहिए भाई, टोटल बराबर ये दोनों को सम के बराबर हो जाएंगे, तो ये यदि करोगे तो क्या हो जाएगा 4x-5 = ये दोनों का समेशन कितना 3x हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, अरे होगा ना, इधर जाएगा तो ये x बचेगा, और ये भाई साहब 8 तो वैसे ही दिख रहा है, आंसर विल बी सी 3 होगा, डी आंसर दे रखे हैं 4, अरे भाई क्या करके क्यों, समझ रहे हो ना मेरा बात, इसका आंसर क्या होगा डी,
जो बोर्ड ने दे रखा है 4, जो कि गलत है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और ये भी 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, 18-8 का सेकंड शिफ्ट है। डन, आगे चलो सर, आगे देख लो भाई, इतना गलती तो नहीं बनता है, एक दो चलेगा ठीक है ना, और इतना गलती एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा। दो पूरक कोणों में से बड़े कोणों का माप छोटे कोणों के माप के 3 गुने से 6 कम है। पूरक मतलब क्या होता है सर? 90, दो कोणों का योग यदि 90, यदि पहला आप x मानोगे पहला पूरक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है 90 माइनस x हो जाएगा, अरे होगा ना, ठीक है। तो ये यदि फर्स्ट है, ये सेकंड मान लो छोटा। अब बोल रहा है छोटा कोणों का माप बड़े कोणों का माप छोटे कोने के माप के 3 गुने से कम है। छोटे मान लो इसको, ये भाई साहब यदि 3x हो जाएगा, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करी, ये 90 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कितने कम है 6 = 6, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा कितना 96, ये कितना हो जाएगा x बराबर 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। यदि x कितना आ गया 24 आ गया, तो ये तो छोटा हो गया ना। आपसे मांग क्या रहा है? आपसे बड़ी वाली मांग रही है ना भाई, तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी? 90 माइनस कितना 24, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये 6 मतलब 66 होगा भाई। आंसर इसका डी होगा, 4 वाली, ठीक है ना, ये गलत है, सही है, ये क्या होगा, इसका आंसर 66 होगा। डन, बात समझ में आ गई, और इसने बोर्ड ने गलती दे रखा, ठीक, चलो आगे। ठीक, गलती आप करो, सुधार हम करें, फिर मेरे गलती का पैसा आप लो, ठीक है ना, ये बोर्ड का नियम है, अपना गलती का अपना पैसा लो, हम गलती करेंगे मगर हमी को पैसा दो आप, बहुत बढ़िया। यहां पे देख लो आप, यहां ये बोल रहा है, ये परिमाण समीकरण क्या है, देखो सर क्या है, क्या दे रखा है, x² + 2x + 9 = ये दे रखा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा कितना 5x, और ये कितना 6। डन ना, अब देखो सर यहाँ पे x कट रहा है, ये क्या हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा -3। अब बताओ 7x - 3 द्विघात समीकरण है, एकदम नहीं है सर, ये एकदम गलत है। एक घन समीकरण है, एकदम गलत है। एक घन बहुपद है, एकदम गलत है। एक द्विघात समीकरण नहीं है, एकदम सही है। आंसर विल बी डी, ठीक है ना, बात समझो। यहाँ पे द्विघात दिख रहा है, मगर आगे चल के जब इसको सॉल्व करोगे आप, x² कटते दिखेगा, और कटेगा तो एक ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा, और लीनियर इक्वेशन का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा एक द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि आपका सही है। आंसर विल बी डी, बोर्ड इस गलत आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप सही नहीं मानिए, इसको चैलेंज कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा, और आपको टोटल नंबर मिलेगा। चिंता करने की बात नहीं है, हम तो सोच रहे हैं उस बच्चा के बारे में जो इसका आंसर आया होगा, पहला बार मिला है और अटैक आ गया उसको, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन गलती है, सेम शिफ्ट का 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, ये तो पार्ट एक है वीडियो का, ठीक है ना, इसमें कितने पार्ट आएंगे हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, कितना गलती होंगे अभी देखते हैं जितना। और एक बात और, आपके शिफ्ट में जो डाउट आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, हमारे कम्युनिटी में जाइए, वहां पे फॉर्म फिलअप कीजिए, और उसको यदि आप भरते हैं तो बिजली क्वेश्चन को लाके यूट्यूब पे हम डिस्कस करवा लेंगे, जिससे आपका भी डाउट दूर होगा। तो फॉर्म को प्रॉपर भरिए, उसमें हम पैसा नहीं ले रहे, ठीक है, बोर्ड की तरह, ठीक है ना, आप वहां पे फ्री में है, भर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6300 को गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण संख्या वर्ग हो, ठीक है। वर्ग करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर बनाना है, ये 63 है, 9 × 7 = 63, 100 कर दो, 9 × 7 = 63 कर दो, और यहाँ पे 100 कर दो, ये वर्ग है ऑलरेडी, ये वर्ग है ऑलरेडी, ठीक है। कमी कहाँ घट रही, जोड़ी की कमी किसकी पड़ रही है, 7 को, 9 में 3 का बन रहा है, 100 में भी 10 का बन रहा है, पड़ रहा है इसमें एक 7, यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग बन जाए टोटल, तो यहाँ पे दिख रहा है सामने आंसर क्या होगा, बी होगा, और 7 होगा, जो वहां पे दे रखा है ए, ये एकदम गलत है, जो बच्चा ने मारा है 2, ये भी सही है इसका आंसर, ठीक है ना। तो आप चिंता ज्यादा ना करें, आप कीजिएगा, ये बोर्ड सही कर लेगा, ठीक है ना। चलो आगे आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे लगभग का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 48.9 गुने कितना 3.95 माइनस कितना 2.97 प्लस क्या 17.8, सर मतलब कितना 17.86 ले लो आप, ठीक है। निकटतम का बात जब करेगा तो एप्रोक्स वैल्यू लेंगे ऑलवेज, यहाँ पे 48.9 है तो उसको 49 मान लीजिए, यहाँ पे 3.95 है तो इसको 4 मान लीजिए, यहाँ पे 2.97 इसको 3 मान लीजिए, प्लस 17.86 है तो इसको 18 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे 36 3 9 36 3 18 21 216 -3 प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये करेंगे
सोलह छत्तीस, ये 213 हो जाएगा, 213 9 36 3 18 16, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है, यहां पे 49 कीजिए आप, ये 36 3 16 19 होगा, 196 हो जाएगा, ये माइनस 3 होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 193 प्लस क्या 18, मतलब ये दिख रहा है आपको 11, मतलब 211 होगा आंसर, और आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ये होना चाहिए, दे रखे हैं भाई साहब 140 जो कि गलत है, और लड़का जो मारा है वो भी सही मारा है, मतलब 211 इसका आंसर होगा, डन। चलो सर आगे आगे क्या बोल रहा है, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो क्या करोगे, आगे क्या बोल रहा है, तो आर की आयु पी से कितना वर्ष क्या है कम है, ठीक है ना, यदि पी प्लस क्यू करोगे और पी प्लस क्यू की आयु का योग क्यू माइनस आर से 15 कम है, इसमें से यदि क्यू माइनस आर घटा देते हैं, क्यू प्लस आर को घटाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 15 के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या 15, ये क्या ये कटेंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, p माइनस आर बराबर क्या 15, मतलब क्या बोल रहा है, p कितने वर्ष कम है भाई, तो सिंपल दिख रहा है 15 वर्ष कम है, आंसर क्या होगा इसका 4 होगा, दे रखा है 2 जो कि गलत है, और यहाँ पे जो मारा लड़का वो भी सही मारा है, डन, बात समझ में आ गई ना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है। चलिए आगे, और जितना भी शिफ्ट में गलती है सारा कराऊंगा, आप पहले क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दीजिए, मेरे कम्युनिटी में जाइए, उस पर एक बना हुआ है पोस्ट, जो गलती है उसको आप प्रॉपर सारा कुछ डाल दीजिए, मैं उसको आज ही करवा दूंगा सारा को, ठीक है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार क्या है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और उसके भुजा का माप 65 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर है, उस आयताकार भूखंड का क्या मांग रहा है, परिमाप मांग रहा है, डन। सर विकर्ण दे रखा है कितना 65, विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यदि स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आप देखो सर यहाँ पे ये तो देख रखा है, और क्या दे रखा है, एक भुजा दे रखा है, ये एल स्क्वायर मान लो आप कितना, ये 63 मान लो, इसको 63 दे रखा है, बी निकाल लो आप, बी स्क्वायर, डी कितना दे रखा है 65 दे रखा है, मतलब 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना, और ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो इसे, स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएंगे 128, ए प्लस बी करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो 2, ये हो जाएंगे दो कितना 256, 256 के जब हटाएंगे तो बी हो जाएगा कितना आपका 16, और एल दे रखा है ऑलरेडी 63, एल दे रखा है 63, आपको क्या मांग रहा है परिमाप, क्या बोलोगे पेरीमीटर, क्या करोगे 2 एल प्लस बी करेंगे, 2 एल प्लस बी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, एल एल कितना है 63, बी कितना है 16, ये कितना हो जाएगा भाई 2, ये 9, ये 7, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 के 1 14 15 मतलब कितना 158 आएगा, जो आंसर क्या होगा सी सही होगा, ये भाई साहब गलत होगा, 256 नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा 158, ये भी सही मारा है, बात समझ में आ गई ना, इतना गलती है। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन 18 का सेकंड शिफ्ट का ही है, आप देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का 24% का 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान क्या होगा, x का 24 मतलब 24 बटा क्या 100 करो, 10% करो तो 10 बटा क्या करोगे आप 100 करोगे, कर लो बराबर क्या 240 के बराबर है, ये कट गए, ये भाई साहब कटे 10 बचे, x बराबर कितना 3, एक 4 0 आएगा इस पे ना, तो 4 0 वाला आंसर होगा, 4 होगा आंसर, ना कि 100 होगा, ये गलत है, आंसर क्या होगा 4 होगा, बात समझ में आ गई, ये भी गलती है, ये भी 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ही है। देखो भाई आगे देख लो, अब आगे बोल रहा है sec 4a इक्वल टू cosec 3a माइनस 50 डिग्री है, तो 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान क्या होगा, सर यदि कोई भी चीज ऐसा रहे sec 4a इक्वल टू cosec 3a माइनस 50 डिग्री, यदि ऐसा कोई भी इक्वेशन है जिसमें sec का उल्टा दे रखा है, मतलब रिवर्स जो होता है मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स, यदि बराबर में दे रखेगा तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 होता है, सिंपल सा लगा दो 4a प्लस कितना 3a माइनस 50 इक्वल टू कितना करोगे 90 करोगे आप, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 7a बराबर कितना कर दोगे 140, a बराबर भाई साहब निकलेगा कितना 20 डिग्री,
आपसे पूछ क्या रहा भाई, आपसे पूछ रहा ए प्लस पचहत्तर, ए प्लस पचहत्तर कितना हो जाएगा, 95 होगा ना, कि कितना 78 होगा भाई। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस 75 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका 4 में सही है। ये भाई साहब गलत है, सही है ना, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे ए प्लस 75 कितना हो जाएगा आपका, 95 होगा ना कि 78 होगा। डन, चलिए आगे। ये भी 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का ही था। चलिए आप चलते हैं किस पे, आप चलते हैं 73 पे। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पे और 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पे बेचा। यदि उसने 40 लैपटॉप के 18% के लाभ पे बेचा होता, उसे 30,000 बढ़ जाता, तो 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है सर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो दो केसेस दे रखे हैं। एक यदि अलग अलग बेच रहा है 25 को 12 पे और 15 को 20 पे, मगर एक यदि इकट्ठा बेच रहा है कितना 40 को कितना पे, 18% पे, तो उसको 30,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 40 को यदि 18 पे बेचा तो कितना परसेंट हुआ उसको, 40 × 18, ठीक है, डन ना। माइनस क्या करोगे, 25 को 12, डन। और माइनस कितना, 15 को 20, ये परसेंटेज है। ये बताओ ये घट के कितना आ जाएगा, 18 × 4 कितना, 72, मतलब 720%, डन। यहाँ पे कितना, ये हो जाएंगे आपको 300%, और ये कितना हो जाएगा, ये वो भी हो जाएगा 300%, और जब ये हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 600, मतलब 120%। और यही 120% का वैल्यू दे रखा है आपको कितना भाई, ये दे रखा है 30,000 दे रखा है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य, किसी भी चीज का क्रय मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का 100% तक क्रय मूल्य होता है। यदि यहाँ पे 100% निकलता तो काम बन जाता, मगर निकला क्या मेरे को, मेरे को निकला है कितना 120। हमको निकालना क्या होगा, हमको निकालना है 100%। तो क्या करो, यहाँ से या तो 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, और फिर उससे 10 से करेंगे तो 100 करना, मतलब इस साइड को 100 बनाना। ऐसे ही कर लो, 1% निकाल लो, कितना हो जाएगा ये भाई साहब, 30,000 बटा कितना, 120 हो जाएंगे। अब क्या चाहिए आपको, 100% चाहिए ना। क्यों चाहिए 100%, क्योंकि क्राइमुल पूछ रहा है ना भाई, यदि क्राइमुल पूछ रहा है किस चीज का, वो अपना आप में 100% है, 100% का वैल्यू निकाल दो। ये निकालोगे तो ये कटेंगे, 120 कर दो, ये करेगा तो 100 हो जाएगा, 20 × 6 और क्या हो जाएगा, 20 × 5, ये करोगे तो 5, मतलब 5,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो आंसर विल बी क्या, ए, ना कि ये वाली, 28,000 नहीं होगा इसका आंसर, 25,000 होगा। और इस सवाल को आप ऐसे ही करें, यहाँ तो मैं गुना भाग करने के लिए लंबा किया, आप 18 × 72 करके मन में करते 120% का वैल्यू इतना है, 100% का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। इस सवाल का मैं XY ना माना करें आप, डन। आगे चलो सर, ये भी गलती है, और ये कब का है, सेम 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है। चलिए आगे, आगे क्या बोल रहा, आगे बोल रहा, निम्न से कौन सा संख्या युग्म को प्राइम है, मतलब स्वाभाज्य, स्वाभाज्य क्या होता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक SCF यदि 1 होगा तो को प्राइम होगा। भाई इसका SCF कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, को प्राइम है नहीं है। इसका SCF 3435 का SCF 1 है, ऑलमोस्ट 1 है, 3435 का SCF 1 ही होगा ना, 35 1 1 1 होगा, 34 मतलब ये सही होगा, ये 12 18 का नहीं होगा भाई, ठीक है ना, 6 दिख रहा है 6 होगा, 7 14 का 7 होगा, मतलब आंसर क्या होगा आपका, 2 होगा, जो मारा है वो भी सही है। अब इसका आंसर क्या, सी नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है। चलिए आगे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछा मैथ में, क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है, मगर नॉर्मल भी लोगों ने गलती किया इतना, ये गलत बात है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति की चाल से दौड़ता है, 38 मीटर भुजा वाले एक बड़ाकार मैदान में चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेता है। अब बता दो ये दूरी कितना तय करेगी, जब बर्गाकार है तो डी कितना हो जाएगा, 4 × कितना 38, बी कितना भाई 6 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर/सेकंड करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5/3 मीटर/सेकंड, ये क्या होगा मीटर। आपको क्या चाहिए, क्या मीटर/सेकंड में क्या चाहिए, कितने सेकंड का समय लगेगा, समय का बात कर रहा है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा D/V करोगे ना, डी कितने भाई 4×38, इसको जब इसको डिवाइड करोगे 5 जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जाएगा ना। अब यहाँ पे कट करोगे आप तो क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 38 × कितना 2.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 32 3 12 15 15 और 16 31 3 3 6 9, मतलब 91.2, आंसर विल बी डी 4 होगा आंसर, ना कि 50.1, और ये उसका आंसर क्या होगा 91.2, दे रखा है गलत ए वाले, डन। आगे चलो,
ये भी सवाल क्या है, 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है इतना का मूल क्या होगा। ठीक है, निकाल दो मूल आप भाई, ये 6x है, ये करो ये डबल जो है ना इसको एक साइड लेके चले जाओ आप, नॉर्मल से निकल जाएगा। 2 बट्टा कितना x माइनस 1 करोगे, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 x माइनस 2 हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा करना ही पड़ेगा, इसमें ऑप्शन से भी आप कर सकते थे मगर ऑप्शन बट्टा में है तो इससे अच्छा है जिससे जल्दी निकल जाएगा आप कर ही लो इसको। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4, इधर करेंगे x माइनस क्या 1, ये करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x, 3x प्लस 2, डन ना। अब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 बट्टा x ही करो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 18x प्लस 12 होंगे, इधर करेंगे 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x। ठीक है, अब इधर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर करेंगे इसको ये प्लस हो जाएगा, मतलब कितना 13x, इधर घटाएंगे अब घटने वाला है नहीं, 12 प्लस 12, तो क्या करेंगे अब कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे जो 36 होना चाहिए तो 9 चौका 36, 9 4 13 हो रहा है, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, टन्ना ये 4 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 3, इसका रूट आ जाएगा एक्स बराबर 3 और 4 बट्टा 3, 3 और 4 बट्टा 3 भाई कहाँ है, ये ए में है ना कि बी में है, ए आंसर क्या होगा, सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये सिर्फ इतना सवाल अभी तक आया था, अभी एक शिफ्ट का था और सवाल मैं कलेक्ट करके आपको सारा डॉट क्लियर करूंगा, और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट वहां पे जाके मेरे कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में एक फॉर्म दिया हुआ उसको फिलअप कीजिए, जो क्वेश्चन गलत है उसको रिपोर्ट कीजिए, बिना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, शिफ्ट का नाम बता दीजिए आप, कौन सा डे था, कौन शिफ्ट में आपको डॉट है, वो सवाल सारे क्वेश्चन को लेके आपको डॉट को क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये होगा यदि आपको डॉट है तो यदि यहाँ पे बता दिया जाएगा तो सही गलत का आपको पता चल जाएगा, जिससे आपका पैसा बच सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे उसने 50 रुपया दे रखा है जो चैलेंज करने का ले रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।